हाँ नमस्कार, मैं पुष्पराज तिवारी ग्राम पंचायत डाड़ जनपद पंचायत तेउथल जिला रीवा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। इस समय हम ग्राम पंचायत डाड़ के पंचायत भवन के सामने लालगांव रोड में हाट बाजार के प्रांगण में अमर अनशन पर बैठे हैं। कल 23 नवंबर 2019 से सुबह 11 बजे से यहां पर बैठा हूं। अभी तक जनपद पंचायत उधर या जिला पंचायत रीवा से कोई भी अधिकारी हमारे सामान स्थल पर नहीं आए हैं, ना ही हमारे ग्राम पंचायत में जो अनियमितताएं की शिकायतें की गई हैं, ना उनकी किसी प्रकार से जांच की जा रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे वीडियो में, आप देखेंगे बाद में कि जिस निर्माण कार्य के लिए हम यहां बैठे हैं उस निर्माण कार्य में भारी अनियमितता की गई है। हम आपको निर्माण कार्य का नाम बताना चाहेंगे। निर्माण कार्य का नाम है लालगांव रोड से सूर्यकांत मिश्र के घर से सर्रा पहुंच मार्ग तक बन रही सीसी सड़क पंचायत द्वारा निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इसमें भारी अनियमितता की जा रही है। जैसा कि आप बोर्ड में देखेंगे कि उसमें एक अच्छी खासी लागत स्वीकृत की गई है और मनरेगा से इस कार्य को कराने के लिए स्वीकृत किया गया है, लेकिन इसको फ्यूरी मशीन से कराया गया और इसी तरह से सभी निर्माण कार्य कराए गए। जितनी भी पीसीसी सड़कों को निर्माण में सामग्री का उपयोग किया गया है, सभी सामग्री जंगली सफेद पत्थर की मिट्टी युक्त गिट्टी व डस्ट से प्रथम परत में बिना सीमेंट डाले ही निर्माण कार्य कराया गया है, जिसकी हम लिखित तौर पर कई शिकायतें जनपद से लेकर जिला पंचायत कलेक्टर मुख्यमंत्री यानी संबंधित अधिकारियों को हमने इसके संबंध में शिकायतें समय समय पर की हैं, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी प्रकार से कोई जांच सही नहीं की जाती है और यह अनियमितता बढ़ती चली जा रही है। जैसा कि आज आप ये अखबार में प्रकाशित खबर पर देख सकते हैं कि इसी तरह से कई समाचार पत्रों में हमारी मांगों को प्रकाशित किया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी जांच अधिकारी इस मौके स्थल पर नहीं आए हैं। मैं समस्त लोगों से अपील करता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हमारे ग्राम पंचायत और हमारे क्षेत्र में अच्छे निर्माण कार्य हों और हमारे क्षेत्र का एक अच्छा विकास हो और सभी को रोजगार मिले, तो इस वीडियो को संबंधित अधिकारियों को और पूरे देश में इसको दिखाने का काम करें और हम आप सबसे सहयोग की अपील करते हैं। समस्त मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि हमारे ग्राम पंचायत में भारी अनियमितता की गई है, जिसको उजागर करने के लिए हमारा पूर्ण रूप से सहयोग करें। हम आपके सहयोग की सराहना करते हैं और देश हित के लिए अगर हमारे प्राणों की आहुति भी जाएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आप वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से निर्माण कार्य हुए हैं। आइए हम चल के हमारे आमरण अनशन स्थल के सामने ही निर्माण कार्य हो रहा था, जो सामने है कैमरा घुमा करके आप दिखा सकते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये डस्ट जो आपको यहां दिख रही है सड़क में और वो सामने जो बोर्ड लगा हुआ है, ये काली सड़क आपको प्रधानमंत्री सड़क दिख रही है, यहीं खड़े रहिए। सामने वो बोर्ड लगा है, उस बोर्ड को हम आपको नजदीक से भी दिखाएंगे। घुमा के इधर ले आओ, ये लालगांव सड़क है और यहीं पर ये हाट बाजार के सामने हम आमरण अनशन कर रहे हैं। आज रविवार 24 नवंबर 2019 है, शाम होने का समय है, लेकिन कोई भी संबंधित अधिकारी हमारे इस आमरण स्थल पर नहीं आए हैं। मैं जब तक मांगों को नहीं मनवा लूंगा और दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जाती,
हम यहाँ अमरांचल पर बैठा रहूंगा और समस्त मीडिया बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि हमारे इस बयान को वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में पहुंचाकर इस भ्रष्टाचार को उजागर करने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।